ये फ़ोन ओवरऑल बहुत अच्छा दिया गया है, पर इसमें एक छोटी सी कमी है जो कि है इसका शो। फाइनली गाइस, वीवो की तरफ से एक वीवो IQ सीरीज लॉन्च हुई थी, जिसके कुछ फ़ोन वीवो में लॉन्च हुए थे, जिसका कुछ फ़ोन थे वीवो IQ Z3। पर इस सीरीज के तहत एक और सीरीज आई थी जो कि थी वीवो IQ7 एंड वीवो IQ7 Legend। इसके दो फ़ोन आए थे जो कि हर मामले में बहुत अच्छे थे, इसलिए कुछ बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने इसके लिए गेम के लिए एंड इसके प्राइमरी फ़ोन के लिए परचेज़ किया था। तो उसी के भयानक सक्सेसर को देखने के बाद IQ वालों ने एक और सीरीज लॉन्च करने की लीक सामने निकल के आ रही है, जिसका नाम है IQ8 सीरीज, जिसके अंतर्गत अभी एक फ़ोन लॉन्च होने जा रहा है जिसका नाम है IQ8 5G, जिसके बारे में आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। उसमें बताया जा रहा है कि बहुत बहुत अच्छे स्पेसिफिकेशन दिए जा रहे हैं। तो सबसे पहले बात की जाए इसके कैमरा सेटअप के बारे में, तो इसमें आपको एक अच्छा कैमरा लुक्स के साथ एक अच्छा कैमरा देखने को मिलने वाला है, जो कि होगा इसका 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 13 मेगापिक्सल का वाइड एंगल एंड 13 मेगापिक्सल का माइक्रो या टेलीफोटो लेंस। इन दो मोड में आपको एक लेंस देखने को मिल सकता है, क्योंकि इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग होगी 4K से 8K, जो कि 120 FPS तक हो सकती ही है। एंड बात की जाए इसके फ्रंट कैमरा के बारे में, जो कि एक थोड़ी सी कमी है, क्योंकि इसमें आपको सिर्फ 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिल रहा है, जो कि प्राइस के मुताबिक सही नहीं है। क्योंकि आजकल जहां 32-44 मेगापिक्सल के कैमराज दे रहा है, जो कि वीवो खुद दे रहा है, पर उन्होंने IQ वालों ने ये ठीक नहीं दिया गया है। एंड इसके बाद बात की जाए इसके परफॉर्मेंस के बारे में, क्योंकि IQ की सीरीज एक अच्छे प्रोसेसर के लॉन्च होते हैं, तो इसमें भी आपको स्नैपड्रैगन का 888 प्रोसेसर देखने को मिलेगा, जिसमें आप फ्री फायर एंड PUBG जैसे हैवी BGMI जैसे हैवी गेम आसानी से खेल सकते हैं, चाहे वो कोई भी गेम हो, क्योंकि इसमें आपको मॉन्स्टर इंजन देखने को मिल रहा है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। एंड अब बात की जाए इसके चार्जर सेटअप के बारे में, क्योंकि इसमें आपको एक भयानक चार्जर सेटअप देखने को मिल रहा है, जो कि है इसका खास स्पेसिफिकेशंस, जो कि आप डिस्प्ले पर देख सकते हैं, क्योंकि उन्होंने बताया कि दुनिया का सबसे फास्ट चार्जिंग जो कि आपको इसमें देखने को मिलेगा, जो कि 12 मिनट में पूरी बैटरी चार्जिंग कर देगा। एंड आप डिस्प्ले पर देख सकते हैं, क्योंकि इन्होंने बताया है कि IQ में होगी 160 फास्ट चार्जिंग सपोर्ट, क्योंकि 0 से 100% बैटरी सिर्फ चार्ज करेगा 12 मिनट में, जो कि एक बहुत ही तगड़ी बात है। एंड इसके बाद बात की जाए इसकी डिस्प्ले के बारे में, तो इसमें आपको 6.67 इंचेस की डिस्प्ले देखने को मिल रही है, जो कि 530 PPI के साथ आपको देखने को मिलेगी। एंड इसके बाद की जाए रिफ्रेश रेट के बारे में, तो इसमें आपको 120Hz रिफ्रेश रेट, जो कि AMOLED डिस्प्ले देखने को मिल रही है। एंड इसके बाद बात की जाए इसके ब्राइटनेस की, तो इसमें आपको 1000 से 1100 निट्स तक ब्राइटनेस देखने को मिलेगी। एंड इसके बाद बात की जाए उसकी साइड स्पेसिफिकेशन की, इसमें आपको ऑन स्क्रीन फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल रहा है। एंड अब बात की जाए इसके एक्सपेक्टेड प्राइस की, तो इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस है 38,000 से 45,000 के बीच में, एंड लॉन्च डेट है अगस्त या सेप्टेम्बर में। सो फाइनली गाइस, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में लिखना ना भूलें, और हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन घंटी दबाना ना भूलें।